रायबरेली के भवानी बख्श सिंह खेड़ा गांव में खेत में जानवर जाने से दबंग भड़क गए और दबंगों ने जानवर चरा रही एक नाबालिग लड़की के कपड़े फाड़ दिए। यही नहीं, दबंगों ने शिकायत करने पर भी लड़की के चचेरे भाई को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। वहीं जब पीड़ित परिवार अपनी शिकायत लेकर जगतपुर थाने पहुंचा तो फिर पुलिस ने भी पीड़ितों को थाने से भगा दिया, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और जिसके बाद ग्रामीण एसपी कार्यालय में हंगामे के बाद इलाहाबाद लखनऊ हाईवे जाम कर दिया। क्या हुआ है बताइए। अरे मेरे भाई की लड़की है, उसने गया रोने गया, बताने लगा है तो मुझको मारा है, मेरे सामने उसको मैं घर गया हूँ तो उसने मैं गया हूँ तो अंदर बंद किया दरवाजा, मुझको मारने लगा कस के, हो गया मैं फिर दोबारा उसने किया हूँ मैं ये गड़बड़ा उसने डेम ने किया ये मर गया उसको गाड़ दो सी में उसमें फिर क्या हुआ गाँव के आदमी सब पहुँचे हैं वहाँ पर। कौन सा थाना है? थाना है जगतपुर। आप थाने गए थे? हाँ जी थाने गया हूँ। क्या बताया? वहाँ बताया तो सुनवाई नहीं हुआ तो फिर मैं आ गया। हंगामे और जाम की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुए। ऊंचाहार कोतवाल ने कई घंटों की मशक्कत के बाद लोगों को शांत कराया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। ये तो योजना से जो होगा कार्रवाई की जाएगी। क्या घर में घुस के मारा भी गया था उस लड़के को? उसके भाई पूरी, पूरी सत्यता जो है योजना के बाद ही पता चलता है। FIR में क्या छेड़छाड़ का भी? FIR में छेड़छाड़ नहीं है, 342-323 का मुकदमा है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। बड़ा सवाल ये है कि अगर पुलिस पहले ही मामले में कार्रवाई कर देती तो शायद ग्रामीण प्रदर्शन नहीं करते। पंजाब केसरी टीवी के लिए रायबरेली से शिवकेश सोनी की रिपोर्ट।